आज बातचीत करेंगे एसएमई कॉर्नर में। हमारे साथ है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी विलास ट्रांसकोर के। कंपनी जल्द ही एसएमई प्लेटफॉर्म पर अपना आईपीओ ला रही है। आईपीओ 27 से 29 मई के बीच खुला रहेगा। आईपीओ और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कंपनी के एमडी नीलेश पटेल जी। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और नमस्ते, आपकी जो कंपनी है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में है, और थोड़ा सा जानकारी दे दूं, 139 से 147 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज 1000 का है, चूँकि एसएमई सेगमेंट में आती है। कुल इश्यू साइज 64 लाख शेयर्स का है। यहाँ पे फ्रेश इश्यू हैं सारे। अब मुझे पहले तो एकदम बेसिक से समझाइए नीले सर, ये कंपनी क्या करती है आपकी, मतलब क्या चीज़ बनाते हैं आप लोग? सर ये ट्रांसफार्मर के रॉ मटेरियल है। ये हम ट्रांसफार्मर का मेन रॉ मटेरियल, ट्रांसफार्मर कोर जिसको बोलते हैं, वो बनाते हैं। और हम ये पूरे इंडिया में जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर होते हैं उसको देते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्किल से बनाया जाता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर को सप्लाई किया जाता है। और ये ट्रांसफार्मर का मेन रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर पूरा ट्रांसफार्मर बिल्ट होता है। ट्रांसफार्मर की क्वालिटी ज़्यादातर ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो मतलब ये आपने एक बड़ा टेक्निकल वर्ड आपकी प्रेजेंटेशन में लिखा था, सीआरजीओ, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड लैमिनेशन कोर। ये क्या होता है सर, ये समझाओ थोड़ा। ये कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड बेसिकली एक स्टील होता है जो सीआर के ऊपर एमजीओ कोटिंग और ग्रेन्स बना के ये स्टील बनाया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में 10-12 कंपनी बनाती है, जिससे हम लोग ये इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद उसका प्रोसेस करके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बना के हम कस्टमर को देते हैं। ये बेसिकली एक स्टील है। बेसिकली स्टील है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर बनाने के काम आती है, जो आप बनाते हो और फिर उनको आप दे देते हो। और आपकी फैक्ट्री कहाँ है सर, आपकी कितनी फैक्ट्री और कहाँ पे है? हमारे दो मैन्युफैक्चरिंग प्लान है, जो बड़ौदा से 12 किलोमीटर जो बॉम्बे की साइड नेशनल हाईवे नंबर 8 है उसके ऊपर एक स्थित है, और एक और जीआरडीसी में है, जो दोनों के बीच में 3 किलोमीटर का अंतर है। अच्छा, कैपेसिटी कितनी है सर आपकी? हम लोग साल के 12,000 मेट्रिक टन आज के डेट में कर रहे हैं। 12,000 टन तो काफी ज्यादा है, ठीक ठाक है, मतलब बड़ी है। अरे ये सेक्टर पटेल साहब, ये सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। पावर देखो आजकल, अभी थोड़ी देर पहले हमारे रिपोर्टर बता रहे थे दिल्ली में कम है बिजली, जितनी ज़रूरत है उससे कम। तो ये सेगमेंट तो ऐसा लगता है कि 8-10 साल की बहुत बड़ी रैली में चल रहा है। ऐसा आप लोगों को लगता है, सिर्फ हम लोगों को लगता है ऐसा? नहीं सर, ये सेक्टर में काफ़ी डिमांड है। जैसे पूरी दुनिया का एक ध्येय है कि अभी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए, कार्बन एमिशन कम किया जाए। तो अपने हिंदुस्तान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की विजन है कि ग्रीन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, तो ग्रीन एनर्जी के चलते सोलार एंड विंड फार्म काफी आ रहे हैं। सोलार एनर्जी के लिए काफी अभी जोर शोरों से काम चल रहा है, तो उसके चलते ट्रांसफार्मर की डिमांड काफी रहनी है। दूसरा, हमारे जो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका भी काफी अपग्रेडेशन हो रहा है, तो ये दोनों में ट्रांसफार्मर की डिमांड काफी रहेगी। और ट्रांसफार्मर की डिमांड रहेगी तो डेफिनेट है कि इसके बिना तो ट्रांसफार्मर पॉसिबल ही नहीं है बनना। अच्छा, आइए, आप जैसी कंपनियां भारत में बहुत है कि कम है, या आप ही अकेले हो? नहीं सर, काफी सारी कंपनीज है आप। अच्छा एक मिनट, आप 4-5 प्रोडक्ट बनाते हो जो लिखा हुआ, सीआरजीओ है, ट्रांसफार्मर कोर है, इंसुलेशन क्राफ्ट पेपर है, फिर एक इलेक्ट्रिकल स्टील है। इसमें सबसे ज़्यादा सीआरजीओ वाला ही है, सबसे बड़ा सेगमेंट वही है, और सबसे ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू भी आप। एक रॉ मटेरियल से बनती हुई डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सीआरजीओ ट्रांसफार्मर लेमिनेशन का। इसमें आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 91% बराबर सीआरजीओ लेमिनेशन वाले प्रोडक्ट में। बाकी सब में भी मैं देख रहा हूँ कि सबसे कम वाले में भी 75% है, तो आपको तो नई फैक्ट्री लगाने की जरूरत है अब। हाँ तो सर, ये अभी हम जो आईपीओ लाए हैं उससे हम लोग एक नया बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्लांट बना रहे हैं, जिससे हम हमारी कैपेसिटी एनहांस कर रहे हैं। तो ये जो पैसा आप जुटा रहे हो इससे वो नई फैक्ट्री जो लग रही है उसी में खर्चा करोगे? हाँ। वो कितनी क्षमता वाली होगी? अभी आपकी 12,000 टन है, वो कितने की है? 24,000 टन की रहेगी। वो 24,000 टन की, तो टोटल 36,000 टन हो जाएगा। हाँ। वाओ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब एक चीज और बताइए सर कि पैसा तो आप उधर खर्च करेंगे, कुछ लोन वोन भी है क्या, कर डेट वगैरह भी है क्या? नहीं सर, हमारी कंपनी में आज के डेट में कोई डेट नहीं है, एकदम जीरो डेट फ्री। ये बेचने के बाद फिर आपका स्टेक कितना बचेगा प्रमोटरों का? 74%।
74% बचेगा, यानी 26% आप निकाल दोगे और जीरो डेट कंपनी है और जो पैसा आ रहा है वो इसमें खर्च होगा। अब आपके नतीजों पर थोड़ी बात करते हैं सर, आपने जो नतीजे दिए हैं वो बहुत ही शानदार हैं, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि एकदम लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में एकदम से शार्प जंप देखने को मिलता है, ऐसा कैसे? नहीं सर, अगर आप लाभ पिछले 3 साल का जो जम पिछले 3 साल का सारे डेटा देखेंगे तो वो सारे सस्टेन है। उसके पहले कोविड का साल था और उसके पहले के भी जो सारे डेटा है अराउंड यही है। ओके, अच्छा पटेल साहब एक चीज होता है, जो आपके क्लाइंट हैं ये तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, तो इनके लिए आपके जो संबंध हैं, चूँकि वो टेलर मेड आप कह रहे हैं ना कि वो जो जिसकी जर्सी ज़रूरत होती है वो बना बना के देते हैं, जनरली कितने लंबे लंबे आपके इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं या बदलते रहते हैं? सर ये 60 से 90 दिन के कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं, जो बैक टू बैक हमारे पीछे कस्टमर सप्लायरों के साथ भी से वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आगे कस्टमरों से भी वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और काफी सारे परसेंटेज मार्केट ऐसा होता है जो डे टू डे मार्केटिंग में आता है। अच्छा नीलेश जी, ये आपका खानदानी बिजनेस है या आपने शुरू किया इसको, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आपने सर, कैसे सोचा कि ये वाला बिजनेस किया जाए? सर बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 92 में कंप्लीट किया। उसके बाद 2 साल मैंने ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज में काम किया और 96 में मैंने ये अपना खुद का फैक्ट्री चालू किया था विलास ट्रांसफर के नाम से। अच्छा आपको फायदा हो गया, आप खुद इंजीनियर हो तो आप ज्यादा समझते हैं सबके बारे में। हाँ सर, इंजीनियर हूँ, ट्रांसफॉर्मर की डिजाइन कर लेता हूँ, तो ये सारी चीजों की प्रोडक्ट, ये बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज काफी रहती है मेरे पास। तो अब ये बताइए कि आपके आगे ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं, इसी को और एक्सपेंड करेंगे या आप नए एरियाज भी देखेंगे कुछ? सर फिलहाल तो इसी को एक्सपेंड करते हैं, फिलहाल इसी को एक्सपेंड कर देंगे और ये बढ़ता हुआ सेगमेंट दिख रहा है। अब एक थोड़ा मुझे इंडस्ट्री व्यू समझाइए कि जो जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं उसमें आपने बताया कि बहुत सारी कंपनीज हैं छोटी बड़ी सब तरह की होंगी, लेकिन चूंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, साइज बहुत बड़ा है इस इंडस्ट्री का, तो नॉट ओनली योर कंपनी कि कैसे ये इंडस्ट्री आगे शेपअप होगी, उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन कितना देखते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री का आउटलुक मुझे समझाइए। सर सीआरजीओ का जो इंडिया का पूरा मार्केट है वो एवरेज 12-13% के एवरेज के हिसाब से बढ़ रहा है। पिछले 3-4 साल में उसकी बढ़ोतरी देखो तो ये 12-13% है। अभी 3 लाख टन का मार्केट है ये। अगर हम ये उसको रेगुलराइज वे में भी देखें कि ये अगर 12-15% के बीच में हर साल बढ़ेगा, जो कि बढ़ना चाहिए जिस हिसाब से आगे ट्रांसफॉर्मर की डिमांड चल रही है, अगर ये मार्केट ये रेट से बढ़ रहा है तो हम लोग ये समझते हैं कि आज हमारे पास जो 4% का मार्केट शेयर है इंडिया में वो हम लोग 4 से 10 या 12% कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट बढ़ेगा एज वेल एज अभी जो हम लोग कैटर नहीं कर पा रहे जो जो सेक्टर को वो हम फ्यूचर में करेंगे, वो करके पूरा का पूरा मार्केट हम 10 से 12% हमारा ले जाने की सोच रहे हैं। 10 से 12% ले जाने की सोच रहे हैं। अच्छा अगर आप नाम बता सके आपके क्लाइंट कौन कौन है? सर मेन क्लाइंट बड़े एमएनसीज है। सो फिलहाल तो हमने जो रेट आरएचपी में दिए हुए हैं यही 3-4 मेन क्लाइंट है, बाकी बहुत सारे 80-90 क्लाइंट है जो पूरे हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं। अच्छा आपके सेक्टर में तो एफडीआई भी अलाउड है सर, अलाउड है ना आपके उसमें? हाँ है। तो उधर से भी कुछ संभावना है क्या किसी को साथ जोड़ने की? अभी तो ऐसा कोई हाल फिलहाल कोई प्लान नहीं, ये आप कह रहे हो जरूरत ही नहीं है, क्या क्या लेना देना भाई, हमारा अपना काम चल रहा बढ़िया है ना, क्या जरूरत किसी और के साथ शेयर करने के लिए अपनी ग्रोथ स्टोरी। ओके तो जी बिल्कुल पटेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और आपके आईपीओ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनएससी के प्लेटफॉर्म पर ये स्टॉक लिस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके तो ये थी एसएमई कॉर्नर की आज बातचीत विलास ट्रांसकोर की, जो एक ऐसे सेगमेंट में है जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है। हर पावर सेक्टर की आप किसी भी तरह कंपनी को देखिए तो बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बने, उसमें से एक कंपनी है जो कि छोटी कंपनी एसएमई है जो कि लिस्ट होने के लिए आ रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट, और इस वक्त भी मार्केट तूफानी तेजी के साथ 22,833 पर ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक लौट के आता है।